सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2022 में लॉन्च होने वाली TVS की जेफलिन बाइक 220 के बारे में। लोग आप देख रहे हैं प्राइसिंग के बारे में अपन बात करेंगे, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। लोग यार इसका ज़्यादा ही रोल कर दिया है, कुछ बहुत ही खूबसूरत बाइक लग रही है। आप देख सकते हैं सीटिंग इसकी वाओ, और पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम उसका यहाँ पर आप देख रहे हैं, डबल फिल्टरिंग यहाँ पर, साइलेंसर उसका एकदम दिखाएंगे आपको। लेकिन अगर इसके अपन शॉक्स एब्सॉर्ब की बात करें तो इसका दो कलर में ये है, और आगे का ड्यूल डिस्क इसका पूरा ये आप देख सकते हैं। चेन का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक है। दूसरे इमेज को देखते हैं, ये साइड से आप देख सकते हैं बैक में यहाँ पे भी इसमें कवर है, और सारा पूरा इंजन गार्ड वगैरह बात करें तो एकदम ऐसा लग रहा है नीचे से बिल्कुल भाई कार है ये। ठीक है, ये इसकी टंकी आप देख सकते हैं। तो यार TVS ने ये बाइक तो दमदार निकाली है, मानना पड़ेगा इस बाइक के लुक को, और इसकी जो है सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या है, और प्राइसिंग की बात करें तो यार प्राइस इतनी ज़्यादा भी नहीं है। आप देख सकते हैं अगर एक्सपेक्टेड इसकी प्राइस 1,35,000 के आसपास रही है, 1,40,42 के आसपास अगर जाएगी तो ये एक्सशोरूम प्राइस है। तो अगर अपन टैक्स वैक्स मिला के बात करें तो ये 1.25 लाख के आसपास गाड़ी जाने वाली है, 1,60,000 के आसपास जाएगी। तो 1,60,000 में यार अगर आपको जो है 220 सीसी बाइक मिल रही है तो मतलब इससे बेहतर क्या है, बहुत ही खूबसूरत बाइक है फिर तो। और आपको बुलेट लुक देती है, पूरा का पूरा क्रूजर टाइप है पूरा का पूरा। मैक्सिमम पावर इसका जो है 20 HP का मिल जाएगा आपको। बाद मैक्सिमम इसका टॉर्क्यू है 18.5 का है। नंबर ऑफ सिलेंडर इसमें एक है, नंबर ऑफ गियर 5 है। सीट हाइट इसकी 725 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस 160 है। क्रैब वेट इसका 168 kg। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 20 लीटर है। यार फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका एवरेज भी काफ़ी कम होगा फिर तो। लेकिन TVS की गाड़ियों की खासियत ये होती है कि TVS की गाड़ियों का एवरेज अच्छा होता है। तो मैं जहाँ तक इसमें पूरी फिनिशिंग लग रही है, सारी चीज़ें इसका लुक दिख रहा है, ये सारी एग्जॉस्ट सिस्टम लग रहा है यहाँ का, उस हिसाब से इसका एवरेज काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अभी इसके माइलेज के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ क्लियर होता है आपके लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाइक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ।